हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं मिस्टर खान और आप देख रहे हैं डिजिटल बीआर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के माउस पॉइंटर को हाईलाइट करने के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप एक कंप्यूटर यूजर हैं या फिर आप कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट के मालिक हैं या एक टीचर है कंप्यूटर के या फिर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको वहां पे अपनी माउस पॉइंटर को हाईलाइट करने की जरूरत पड़ती है। जब आप किसी को समझाते हैं, जब आप अपनी ऑडियंस को बताते हैं किसी चीज को, तो वहां पे जैसे ही आप माउस को क्लिक करते हैं तो वहां पे उन ऑडियंस को पता होना चाहिए कि आपका माउस का क्लिक कहां पे हो रहा है। और इस केस में हम अपनी कंप्यूटर की माउस पॉइंटर को हाईलाइट करके रखते हैं। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कि मेरे माउस पॉइंटर में गजब का हाईलाइट है, यानी येलो कलर का सर्किल बन रहा है। तो अगर ऐसे में आप अपनी माउस को बना लेते हैं तो कहीं पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी ऑडियंस उसे देख सकती है, पहचान सकती है कि आप कहां पर क्लिक कर रहे हैं, और इस केस में आप बेटर से बेटर अपनी ऑडियंस को समझा पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे हमने अपनी माउस पॉइंटर को हाईलाइट किया है इतनी बेहतरीन तरीके से, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये माउस पॉइंटर को हाईलाइट करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है एक सॉफ्टवेयर की। जी हाँ दोस्तों, काफी छोटी सॉफ्टवेयर है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि गूगल से आपको मिल जाती है। तो दोस्तों लेट नहीं करते हुए चलिए आप गूगल पे चलते हैं और ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे हम गूगल पे आ गए और यहाँ पे आपको टाइप करना है। जैसे ही पॉइंटर फोकस आप टाइप करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आपका पॉइंटर फोकस ओपन हो गया है, यानी वेबसाइट ओपन हो गई है। और यहाँ पे आपको वेबसाइट को ओपन कर लेना है पॉइंटर फोकस 1.5। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको पॉइंटर फोकस, और इसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करते ही फ्री ऑफ कॉस्ट इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूं। क्लिक करने के बाद यहां पे देखेंगे कि एक और ऑप्शन आ गया डाउनलोड का। अब यहां पे कहा जा रहा है श्योर पॉइंटर फोकस डाउनलोड ऑप्शन, यस आपको इस पे क्लिक करना है और क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। ये काफी छोटी है, 1.34 MB की समथिंग की है ये, और इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। फिलहाल मैं इसे डाउनलोड कर लिया हूं और डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर लिया हूं अपने कंप्यूटर में। तो आपको सिंपल इसे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले पे पॉइंटर आ गया है, यानी कि हमने इसे इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद ये डिस्प्ले पे आ गया है, यहां पे देख सकते हैं पॉइंटर फोकस के नाम से। अब हम इसकी सेटिंग देखते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है। दोस्तों काफी अच्छी क्वालिटी है और फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी अच्छी क्वालिटी मुझे नहीं लगता आपको कहीं मिलने वाली है, क्योंकि मैंने काफी टाइम इसे यूज किया है और इससे बेटर मुझे कोई भी नहीं दिखा। तो दोस्तों जैसे आप इस पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते ही आपके सामने ओपन हो जाता है ऐसा एक गोला, और इसी गोले में करना है आपको सेटिंग। जी हां दोस्तों, थोड़ा सा मैं मैग्नीफायर यूज कर लेता हूं और यहां पे आप देख सकते हैं ये है आपका पॉइंटर फोकस का टोटली यानी A to Z सेटअप। इस सेटअप को आपको देखना है और इसी सेटअप से आप अपनी पॉइंटर फोकस को और भी बेटर कर सकते हैं। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं इस तरीके से, यानी कि यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं जैसे यहां पे मैं लाया, यहां पे लिख रहा है पॉइंटर फोकस मैग्नीफायर, यानी कि आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पॉइंटर जहां जहां जाएगा वहां पे मैग्नीफायर यूज होगा, बस उतना ही दूर में जितना दूर में आपका पॉइंटर होगा। और इसका शॉर्टकट की है F12, जो कि आपको बीच में यहां पे देखने को मिलेगा जब मैं यहां आइकॉन्स पे क्लिक करूंगा। यहां पे देखेंगे मैं क्लिक कर रहा हूं और क्लिक करने के बाद कुछ सर्किल जैसा बन गया है। अब मैं माउस ले आ रहा हूं यहां पे, तो देख सकती है जहां पे हमारी माउस है उस चीज को हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है। तो ये काफी बढ़िया ऑप्शन है इसमें, जो कि आपको दूसरी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलने वाली। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पे पेंसिल पे, तो यहां पे लिखा हुआ है पॉइंटर फोकस पेन F11 इसका शॉर्टकट की है। तो अगर आपको इसका यूज करना है तो इसका यूज कैसे करेंगे, इस पर मैं क्लिक करता हूं। इसे उस जगह पे आप यूज कर सकते हैं जहां पे आप किसी चीज को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, किसी चीज को दिखाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस एप्लीकेशन को दिखाना चाह रहा हूं, तो मैं इस पर क्लिक करके इसे घेर सकता हूं ऐसे, और ऐसे करके इंडिकेट कर सकता हूं कि इसी बारे में मैं बता रहा हूं। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, यह भी काफी अच्छा ऑप्शन है। इसको हटाना है तो आप सिंपल इसी पे क्लिक करके हटा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंटर फोकस स्पॉटलाइट के बारे में। इसका शॉर्टकट की है F10। अगर आप F10 भी अभी दबाएंगे तो आपका ये ऑप्शन वर्क करना स्टार्ट कर देता है। इसका वर्क क्या है, इसका काम क्या है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूं और इस पे क्लिक करने के बाद आपका जो डिस्प्ले होगा वो ब्लैक हो जाएगा,
हल्का सा डिम हो जाएगा और आपकी जो माउस पॉइंटर की एरिया होगी बस उतना दूर हाईलाइट होगी। ये भी काफी अच्छी ऑप्शन है और देखेंगे जहां जहां मैं माउस ले जाऊंगा सिर्फ उतना ही दूर हाईलाइट हो रही है, बाकी चीजें डिम है, बाकी चीजें ब्लैक टाइप दिख रही होगी। फिर मैं इस पे क्लिक करता हूं और ये हट जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंटर फोकस की स्ट्रोकस के बारे में। इसका शॉर्टकट की है F9। अगर आप F9 भी अभी दबाएंगे तो आपका ये ऑप्शन वर्क करना स्टार्ट कर देगा। पॉइंटर फोकस की स्ट्रोकस पे के क्लिक करने के बाद आप अगर कोई भी की दबाते हैं अपनी कंप्यूटर के अंदर तो वो आपको डिस्प्ले पे दिखाई जाती है। जैसे कि मैं कंट्रोल V यहाँ पे आपको दिखाया जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्रोल C दबाता हूँ तो यहाँ पे दिखाया जाता है, कंट्रोल शिफ्ट V दबाता हूँ तो यहाँ पे दिखाया जाता है। यानी कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम आप वहाँ पे की भी दबाते हैं कि कंट्रोल V दबाएं तो क्या होगा, कंट्रोल C दबाएं तो क्या होगा, यानी शॉर्टकट की भी आप दबा के बताते हैं ऑडियंस को, तो ये ऑप्शन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और यहाँ पे जो भी आप कीबोर्ड पे दबाएंगे आपके डिस्प्ले पे वो आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन की, तो पॉइंटर फोकस हाईलाइट। यह है कि पॉइंटर फोकस को हाईलाइट करने के लिए, जैसे कि अभी हमारा पॉइंटर फोकस के एरिया हाईलाइट नहीं है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा देखेंगे पॉइंटर फोकस का एरिया जो है हाईलाइट हो गया। आपकी कंप्यूटर की पॉइंटर जो है ये येलो कलर से घिर गई है, एक राउंड बन गया है आपके पॉइंटर पे। अब जहां जहां पॉइंटर ले जाएंगे सामने वाला समझ सकता है कि आप कहां पे पॉइंटर ले गए हैं और कहां पे आप बता रहे हैं, इससे ऑडियंस जल्दी समझ पाते हैं। उसके बाद बात करते हैं इस पे, तो यह है पॉइंटर फोकस मिनिमाइज। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये मिनिमाइज हो जाएगा और मिनिमाइज होने के बाद टास्क बार में आ जाता है। तो मिनिमाइज को फिर से मैक्सिमाइज करने के लिए आपको एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ये मैक्सिमाइज हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये होता है एग्जिट, आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। यानी आपका ये सेटअप जो चल रहा है, आपका जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा अभी डिस्प्ले पे, ये सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेटिंग की, तो सेटिंग पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजों की सेटिंग अंदर मिलेगी आपको। तो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ सेटिंग पे क्लिक करके। जैसे क्लिक करेंगे आपको मिल जाता है हाईलाइट कर्सर, आप कर्सर को किस कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं। अभी फिलहाल हमारा येलो कलर है, अगर आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर मर्जी हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल मैं येलो ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे है कर्सर की साइज जो कि हमारा है 110 यानी 110, तो अगर आपको छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे 100 करता हूं तो यहाँ पे देखेंगे कि साइज छोटा हो गया। अब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं इसका वाइट का, तो अगर वाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसकी मोटापा बढ़ा सकते हैं, जो सर्किल है उस सर्किल का जो राउंड है उसकी मोटापे को बढ़ा सकते हैं, वाइट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कैपिटलाइज भी आप कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे, तो ऐसी आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक किया हुआ है शो क्लिक एनिमेशन, यानी जो एनिमेशन है अभी आपके माउस के चारों तरफ घिरा हुआ ये आपको शो चाहिए, तो आप इसमें क्लिक रहने दें। ये दोनों ऑप्शन वैसे आप क्लिक रहने दें, इससे क्या होगा कि जहां पे भी आप क्लिक करेंगे माउस पॉइंटर, अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने डिस्प्ले को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी साथ साथ में रिकॉर्ड होता रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं लेफ्ट क्लिक रिंग कॉलर, यानी कि अगर आप अपने माउस में अगर लेफ्ट क्लिक अभी करेंगे तो देखेंगे यहां पे रेड रेड का रिंग बन रहा है, तो अगर इसका कलर आप चेंज करना चाहें तो यहां से कर सकते हैं। यहां पे है राइट क्लिक रिंग कॉलर, अगर आप अपने माउस में अभी राइट क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये ब्लू बन रहा है, तो अगर आप चाहें कि ब्लू की जगह कोई और कलर तो वो भी आप कर सकते हैं। शो की स्ट्रोकर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टेक्स्ट डिस्प्ले टाइम, यानी कि जैसे आप कंट्रोल बी दबाते थे नीचे आ रहा था आपका लिखा हुआ, जो भी आप दबाते थे कंप्यूटर के कीबोर्ड पे वो कितना देर आपके डिस्प्ले पे दिखेगा वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, जैसे कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, कितना सेकेंड आपको दिखे। और उसकी फॉन्ट की साइज भी आप यहाँ से चेंजेस वगैरह कर सकते हैं कि आप उसकी फॉन्ट की साइज कितना रखना चाहते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्पॉट लाइट की, स्पॉट लाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका स्पॉट लाइट हो जाता था, यानी कि आपका जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले डिम हो जाती थी, तो उसे आप कितना डिम रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे स्पॉट लाइट है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, फिलहाल हमारा जो है इतना डिम आ रहा है डिस्प्ले। अगर आप चाहें तो इस डिस्प्ले को और भी वाइट कर सकते हैं या फिर और भी डिम कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, ये भी काफी अच्छी ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं पेन पे, जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे पेन था हमारा, इस पे जैसे आप क्लिक किए थे तो यहाँ पे आप एरिया को यहाँ पे घेर सकते हैं, एरिया को कवर कर सकते हैं, हाईलाइट करके दिखा सकते हैं, यहाँ उसके भी ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप पेन कलर को चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, पेन की ओपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा मोटा आ रहा है, तो इस तरीके से आप इसका भी यूज कर सकते हैं, यह भी काफी अच्छी ऑप्शन है। और उसके बाद बात करते हैं मैग्नीफायर की, तो जैसे
जैसे ही आप यहाँ पे सेटिंग में मैग्नीफायर पर क्लिक करेंगे आपको मिल जाता है मैग्नीफायर की साइज। फिलहाल मैग्नीफायर पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इतनी छोटी साइज मिल रही है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीफायर की साइज को आप बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी हो उतना बड़ा एरिया में आपको दिखेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, मैग्नीफायर साइज को बढ़ा सकते हैं यानी इस गोले एरिया को बढ़ा सकते हैं जो सर्किल टाइप से आ रहा है मैग्नीफायर होकर के, और दूसरी ऑप्शन है यहाँ पे मैग्नीफायर जूम फैक्टर यानी मैग्नीफायर के अंदर जो लेटर आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे अभी आ रहा है न्यू फोल्डर, इस लेटर को भी आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं साइज को थोड़ा बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लेटर थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो ऐसे भी करके आप कर सकते हैं, यानी मैग्नीफायर का सर्किल को भी बढ़ा सकते हैं, मैग्नीफायर के अंदर जो लेटर आएगा उसे भी आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिमोट की, तो जैसे रिमोट डेस्कटॉप लेना देना होता है आईपी के थ्रू, तो ये सेटअप हमारे लिए नहीं है, ये काफ़ी अच्छी सेटअप है, लेकिन ये सेटअप को यूज़ करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन को पर्सनली बाय करना पड़ेगा, एक प्रोफेशनली वे में इसे यूज़ करना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद अबाउट है, तो अबाउट में क्लिक करेंगे इस सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप अपनी माउस पॉइंटर को हाईलाइट कर सकते हैं और इस हाईलाइट से आपको कितना बेनिफिट होने वाले हैं, आपके ऑडियंस कितनी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जो भी आप उन्हें समझाना चाह रहे हो। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, बिना लाइक किए मत जाना, और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल डिजिटल वीआर यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, इससे क्या होगा जो भी वीडियो हम डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपकी मेल आईडी तक मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ नाइस डे।